नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर की। शराब घोटाले के आरोपियों पर ईडी का एक्शन, जहां ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच कर ली है। 18 चल और 161 अचल संपत्तियां जब्त की गई। अटैच संपत्ति का सरकारी मूल्य 205 करोड़ 49 लाख रुपए है, कई गुना ज्यादा हो सकता है अटैच संपत्ति का बाजार मूल्य। संपत्ति पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर समेत बाकी आरोपियों की करीब 11 महीने पहले भी 122 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की थी। तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां शराब घोटाले के आरोपियों पर ईडी ने कार्रवाई की और ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच कर ली है। 18 चल और 161 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी का भी नाम सामने आया। इस मामले में ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी एसटीएफ ने आरोपी विधु गुप्ता को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विधु गुप्ता के खिलाफ नोएडा के कासना थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में काफी बड़े मात्रा पे अटैचमेंट को अंजाम दिया है। और अगर अटैचमेंट की अगर बात करें तो आरोपियों से जुड़े हुए 18 चल संपत्ति और करीब 161 अचल संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। और इसका जो सरकारी मूल्य है वो तकरीबन 205 करोड़ रुपया आंका जा रहा है, 205 करोड़ तकरीबन 50 लाख रुपया आंका जा रहा है। और अगर इसका बाजार मूल्य देखा जाए तो इस हिसाब से कई गुना ज्यादा है, यानी कि जो 205 करोड़ का जो आंकड़ा है उससे कई गुना ज्यादा इसकी वैल्यू आंकी जा रही है। और जिस तरह से पूरे इस मामले को देखा जाए, जिस तरह से इस साल 2019 से लेकर 2021 के बीच का यह मामला सामने आया था, और जिस तरह से इस मामले में ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटीज लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसका नाम भी सामने आया, तो इस मामले में भी बकायदा तफ्तीश की गई तो पता चला था कि कहानी जो शुरुआत हुई है वो शराब का जो बोतल होता है उसमें जो होलोग्राम लगता है, जो स्टिकर्स लगे होते हैं, वहां से शुरुआत हुआ था। क्योंकि इस मामले में जो शराब घोटाला का जो कनेक्शन है, इस मामले में जब तफ्तीश किया गया तो पता चला कि 8 पैसे का कमीशन से वो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद पता चला कि कई ट्रक जो है जो रोजाना निकलते थे शराब की, उस मामले में जितने नकली होलोग्राम लगाया जाता था उसका अलग से कमीशन बनता था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से छोटे स्तर के सरकारी कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक का नाम सामने आया था, और इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की अगर बात करें तो उसकी भी गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारियों का नाम सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई। लिहाजा इसी मामले पर जिस तरह से तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है और इसके साथ ही अटैचमेंट की जो प्रोसेस है कुछ और आगे बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और अब दिल्ली से खबर है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। भगवान शिव और राम के अपमान का आरोप लगा है। हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मांग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज की गई है, जहां पर जांजगीर चांपा में एक विवादित बयान दिए जाने के चलते ये मांग की जा रही। हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। राम शिव और कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि यह शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। तो देखिए, राहुल गांधी की जो तुलना है वो भगवान से किए जाने के चलते मामला काफी गर्मा चुका है। और इस पूरे मामले में भगवान शिव और राम के अपमान का आरोप लगाया गया। संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, वाकई में हैरान करने वाली बात है कि राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की जा रही है और यहां पर हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एफआईआर की मांग की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के फिलहाल लोकसभा चुनाव में इस समय नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, वो बयान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होते हैं। और उसी श्रेणी में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मौजूदा मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक चुनावी रैली में जिस तरह भगवान
शंकर और भगवान राम से राहुल गांधी को जोड़ने की बात कही। निश्चित रूप से वो फिलहाल जो शिकायत दर्ज की गई है उस शिकायत के पीछे की वजह यही है कि जिस तरह की बयानबाजी दी गई है की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, उस बयान से तमाम जो हिंदू हैं भारत के रहने वाले उनकी संवेदना को हर्ट किया गया है और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। और यही मांग करते हुए फिलहाल जो विष्णु गुप्ता हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी है और ये कहा है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए देवी देवताओं का सहारा लेते हुए उनके सेंटिमेंट को हर्ट किया वो निश्चित रूप से गलत है। और ऐसे में चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी से फिलहाल नेताओं को बचना चाहिए। ये चुनाव आयोग का भी निर्देश है कि वो किसी विशेष समुदाय या देवी देवताओं को टारगेट करके कोई बयान ना दे। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के संज्ञान में भी बात है और जिस तरह की शिकायत की गई है इस पूरे मामले में अब FIR तक की भी बात कही जा रही है, तो देखना यह है कि इस पूरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस का क्या रुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब हिंदू संघ अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज किए जाने की मांग की है और देखना होगा कि इसमें आगे किस तरीके से सियासत होती है। रायपुर से खबर है ओपी चौधरी का बघेल पर वार, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया, राम जी के ननिहाल को लूट का गढ़ बना दिया गया, 5 साल करप्शन कमीशन का खेल चला, वहीं 18 लाख गरीब परिवारों का छत छीन दिया गया, छत्तीसगढ़ियों को ठगने का काम किया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ये तमाम आरोप लगे हैं। ओपी चौधरी का बघेल पर वार, रायपुर से बड़ी खबर। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर, राधिका खेड़ा विवाद पर पोस्टर जारी किया गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पोस्ट में लिखा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यही है कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी अमेठी से भागकर वायनाड गए, वहां की जनता उन्हें नकार रही है, अब वे हार के डर से रायबरेली आए हैं, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साफ का। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता भी उन्हें भगा देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने परिवार से बाहर सोच नहीं सकती, इन्होंने अमेठी की जनता का शोषण किया है। जी से भागे, वायनाड गए, अब वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं, पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे। रायबरेली की जनता का भी फैसला वैसा ही होगा जैसा अमेठी की जनता का था, ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि अब छल और भ्रम नहीं चलेगा, उनको जनता की सेवा करनी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है। रायबरेली के भी जनता का निर्णय मैं सोचता हूं वैसा ही होगा जैसे पूर्व में अमेठी की जनता का था। पहचाने जा चुके हैं, अब और छल और भ्रम नहीं चलेगा, उनको जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी तभी उनको कुछ मिल सकता है। उससे पहले आप सिर्फ गणित के आधार पर सिर्फ भ्रम फैलाकर अब जनता को और नहीं आप भरमा सकते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस का बयान सामने आया। AICC सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी के रायबरेली में चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह छा गया है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी की हालत खराब हो गई है। फायदा हमको मिलेगा, बीजेपी कह रही भाग गया एक लड़का। भारतीय जनता पार्टी तुम कुछ भी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। राहुल गांधी जी के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को अब सपने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। राहुल गांधी जी को आज पूरा देश उनके लोहा को मानने लग गया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा की, पूरे देश में न्याय यात्रा को लेकर एक मुहिम चलाई और न्याय यात्रा की, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी और 25 न्याय उसी न्याय यात्रा के माध्यम से निकल कर आया और आज जनता को उससे फायदा मिल रहा है।
और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर निर्वाचन विभाग के उड़न दस्ते ने होटल में मारा छापा। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर होटल के कमरे में पैसे रखने की आशंका के चलते रेड मारी गई। जांच के बाद खाली हाथ लौटी उड़न दस्ते की टीम। चुनाव के दौरान निगरानी के लिए गठित किया गया है उड़न दस्ता दल। और बिलासपुर का पूरा मामला है, जहां होटल में रखे पैसे रखे होने का शक था। निर्वाचन विभाग के उड़न दस्ते ने होटल में जब छापा मारा, कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर होटल के कमरे में पैसे रखने की आशंका के चलते रेड मारी गई है। जांच के बाद खाली हाथ लौटी उड़न दस्ते की टीम। चुनाव के दौरान निगरानी के लिए उड़न दस्ता दल गठित किया गया है, लेकिन जब ये उड़न दस्ता दल होटल पहुंचा जांच करने के लिए, तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ में 5 से 7 मई तक ड्राई डे रहेगा। चुनाव प्रचार थमते ही शराब की दुकानों पर भी लगेगा ताला। जी हां, 7 मई को होगा तीसरे चरण का चुनाव। रायपुर सहित दुर्ग, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में शराब दुकानें बंद रहेंगी। शराब के परिवहन पर भी रोक रहेगी और 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और उसके पहले ये पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो। छत्तीसगढ़ में 5 से 7 मई तक ड्राई डे रहेगा, दुकान बंद रहेंगी और 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। उसके चलते 5 से 7 तारीख तक ड्राई डे घोषित किया गया है, यानी कि जितनी भी शराब दुकानें हैं वे सभी बंद रहेंगी। शराब के परिवहन पर भी इस दौरान रोक रहेगी। सुकमा से खबर है, जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई और अब तक 2 से 3 बार ये नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है। रायगुड़म इलाके में निकले थे डीआरजी के जवान, कोबरा के जवान, तो वहीं मुठभेड़ के बाद सर्चिंग लगातार की जा रही है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अब तक 2 से 3 बार ये मुठभेड़ हो चुकी है और रायगुड़म इलाके में डीआरजी के जवान